हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। प्रदेश के 11 जिले कोविड रेड जोन में यहां पर शामिल हो चुके हैं। रेड जोन में यहां पर कौन कौन से आपको बता दें, जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला इसमें शामिल हैं। सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र भी यहां पर शामिल हैं। यमुनानगर, रोहतक और झज्जर भी रेड जोन में यहां पर आ चुका है। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी तरह के मार्केट बंद रहने की पाबंदियां यहां पर हैं। आज से शाम 6 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे। 6 बजे के बाद एसेंशियल सर्विस ही उपलब्ध रहेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर रेड जोन में शामिल, कैथल, पंचकुला और अंबाला जिले भी रेड जोन में शामिल हैं। दूसरी लहर भी अधिक तेजी से दिख रही है। तीसरी लहर, पुलिस प्रशासन कोरोना नियमों का पालन कराने में जुटा हुआ है। तो प्रदेश के 11 जिले कोविड रेड जोन में यहां पर शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें यहां पर बंद की गई हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार यहां पर डरा रही, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा के 5 से 6 जिले जो हैं रेड जोन में यहां पर आ गए हैं और आज शाम 6 बजे के बाद मार्केट भी बंद रहेंगे। सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं वो उपलब्ध यहां पर रहेंगी, लेकिन उसके अलावा बाकी सब बंद यहां पर रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें प्रदेश के 11 जिले कोविड के रेड जोन में यहां पर शामिल हो चुके हैं, जिसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत भी यहां पर शामिल है। ये जो जिले हैं आपको बता दें रेड जोन में यहां पर आ चुके हैं और ज्यादा पाबंदियां यहां पर हैं क्योंकि केसेस यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आज से शाम 6 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, उसके बाद आपको बता दें सिर्फ जरूरी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। और जानकारी के लिए फरीदाबाद से महेंद्र कौशिक, देवेंद्र कौशिक यहां पर जुड़ गए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उनके पास। यहां पर देवेंद्र, क्या कुछ हाल है फरीदाबाद के, केसेस की बात करें, कितना आंकड़ा वहां पर पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जो कोरोना का विस्फोट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और न केवल कोरोना के मामले बल्कि ओमिक्रॉन के भी लगातार मामले यहाँ फरीदाबाद में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो जीनोम सिक्वेंसी है उसकी जो संख्या है वो बेहद कम है, सैंपल कम लिए जा रहे हैं, इस वजह से इसके बावजूद इसके 20 मामले ओमिक्रॉन के और सामने आए हैं और अब ये जो आंकड़ा है वो 28 पर पहुंच चुका है। इसके अगर पिछले 24 घंटे की कोरोना की बात करें तो 259 मामले पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में सामने आए हैं, जो एक बड़ी संख्या जिसे माना जा रहा है। और ऐसे में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जो हरियाणा सरकार की तरफ से अगर यूं कहें तो पूरा आधा हरियाणा अब रेड जोन में शामिल हो चुका है और जो कई तरह की पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं। फरीदाबाद की बात करें तो देखिए, जिले में जो तमाम बार और रेस्टोरेंट हैं इसमें अब 50% की कैपेसिटी कर दी गई है। इसके साथ साथ में जो बाजारों का जो अब तक 5 बजे तक के खुलने का वक्त था उसमें अब थोड़ी सी रियायत सरकार की तरफ से जरूर दी गई है और अब वो 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है, लेकिन 11 से 5 का जो नाइट कर्फ्यू है वो पूरी तरह से एज इट इज रखा गया है। हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये रात में शाम देर शाम आदेश जारी किए गए थे जिसमें 11 जिलों को रेड जोन में शामिल कर लिया गया है। फरीदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से 48 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां लोगों को वैक्सीनेट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ में जो अगर बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से एक आदेश और जारी किया गया था हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कि जितने भी तमाम सरकारी कार्यालय हैं, मॉल, मार्केट्स और मंडी और बाकी ऐसे पब्लिक प्लेस जहां लोग पहुंच रहे हैं तो वहां डबल वैक्सीनेटेड होना लोगों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही फरीदाबाद में देखने को मिल रही है क्योंकि चेकिंग के नाम पर किसी को भी अभी इस तरह से सामने तस्वीरें नहीं आई हैं, अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जो उनकी जांच की जा रही है। क्योंकि पहले ही ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि डबल वैक्सीनेटेड होना बेहद जरूरी है, लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं, पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है। इसके साथ साथ में लोगों के चालान काटने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं, अब पुलिस की तरफ से जगह जगह चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन इससे इतर लोगों में इस बात को लेकर एक बड़ी राहत फरीदाबाद में देखी जा सकती है कि ज्यादातर लोग अब अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर अब लोग मास्क लगाना यहाँ पर हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह बने हुए। महेंद्र, क्या कुछ स्थिति है करनाल की, कितने केसेस वहां पर हैं, क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं?
महेंद्र, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। तब तक देवेंद्र के पास यहाँ पर रुक करते हैं। देवेंद्र, यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि चालान काटे जा रहे हैं, तो कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? क्या लोग इन पाबंदियों को फॉलो कर रहे हैं? कितना डर लोगों के अंदर है? चालान की वजह से मास्क लगा रहे हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए? लोगों का क्या कुछ रवैया फिलहाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर की अगर बात करें तो चालान की प्रक्रिया तो पहले से ही आदेश, चूंकि दूसरी जो लहर आई थी तभी उस वक्त भी चालान काटे जा रहे थे और ऐसे में उस आदेश को वापस सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था, तो चालान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रही, लेकिन इस बीच में ढील जरूर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से अब डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि जो ओमिक्रॉन वायरस है, वेरियंट है, ये बड़ी तेजी से इसका संक्रमण फैलता है, तो ऐसे में दोबारा से उसको पुलिस को सक्रिय कर दिया गया, जगह जगह नाकेबंदी कर चालान जरूर काटे जा रहे हैं, लेकिन इससे इतर लोग खुद भी अब जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि डॉक्टरों की तरफ से एक बड़ा खतरा ओमिक्रॉन को बताया गया है, तो ऐसे में सभी की जिम्मेदारी भी बनती है और अपने आप को बचाने की भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी अब अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र जुड़ गए करनाल से। महेंद्र, मैंने सवाल जो मेरा यही था कि क्या कुछ करनाल की स्थिति वहां पर है, पाबंदियों का लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? देखिए, बीते 5 दिनों की बात की जाए तो करनाल में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो करीब 7 गुना हो चुकी है। कल भी जो है 75 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में साफ है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। बात की जाए प्रशासन के प्रतिबंधों की, लागू जरूर किए गए लेकिन लोग उतनी सख्ताई के साथ उनका पालन नहीं कर रहे, क्योंकि जब हमने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का जो दौरा किया था उसके दौरान एक बड़ी ऐसी स्थिति सामने आई कि जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग लापरवाह है, क्योंकि अभी भी जो फ्रंटलाइन वर्कर है, सरकारी कर्मचारी है, वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन के स्तर पे, अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पे बरती गई थी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अभी उनका वैक्सीनेशन के लिए पहुंचना एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर जब जनता को वैक्सीनेशन की अपील की जा रही है तो अधिकारी और सरकारी कर्मचारी पहले वैक्सीनेट क्यों नहीं हुए थे? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से देवन बता रहे हैं कि फरीदाबाद में वहां पर चालान काटे जा रहे हैं ताकि लोग मास्क यहां पर लगाएं, तो करनाल में लोग पाबंदियों को फॉलो करें इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, और क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है, क्या वहां पर भी चालान काटे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरिता, जिस तरह से जो प्रतिबंध लागू किए गए उनको पालन किया जा रहा है, चाहे जिला सचिवालय की बात की जाए, सरकारी दफ्तरों की बात की जाए, इसके बाद मुख्य बाजारों की बात की जाए, पुलिस की स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है चालानी कर रही हैं, जो है डीसी और एसपी खुद बाजारों के बीच उतरे थे और वहां जो दुकानदार मास्क का उल्लंघन कर रहे थे उनके चालान काटे गए हैं, सख्ती जरूर बरती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की डोज है जो दूसरी, वो जिले करनाल में काफी कम दिखाई दी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 75% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल, फरीदाबाद रुक कर देंगे यहाँ पर। देवेंद्र, वहां पर सेकेंड डोज लगाने के लिए कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेट करना भी बहुत जरूरी है, तो कितनी तादाद में संख्या वहां पर पहुंच रही है? साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगाया जा रहा है, तो बच्चों में कितना उत्साह वहां पर है? बिल्कुल, देखिए सरिता, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिन लोगों को सेकंड डोज लगनी है वो वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिनका टाइम पूरा हो गया लेकिन वो वक्त पर वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे, और ये आंकड़ा जिले में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में करीब 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो दोबारा वैक्सीन अपनी लगवाने, सेकेंड डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं, और ये एक बड़ी चुनौती हेल्थ डिपार्टमेंट और डॉक्टर के लिए भी है कि उनको अब ढूंढा जाए, उनको डबल वैक्सीनेट किया जाए। इसके साथ साथ में जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं बच्चों का, तो 15 से 18 साल के बच्चों में उत्साह बेहद देखा जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स, अभिभावक की सहमति लेने के बाद में उनको वैक्सीन तो लगवाई जा रही है, लेकिन अब ऐसे में एक सवाल और बड़ा खड़ा इसलिए हो गया है कि वैक्सीन की कमी जिले में देखी जा रही है। वैक्सीन की कमी के चलते ही कुछ बच्चों को वापस भी लौटना पड़ा, चूंकि स्कूल में बुलाए गए थे बच्चे और इसलिए क्या ताकि उनको वैक्सीन लगवाई जा सके, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के चलते कुछ बच्चों को वापस भेजना पड़ा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर रिक्वायरमेंट भेज दी गई है, 2.5 लाख वैक्सीन डोज के लिए रिक्वायरमेंट भेजी है, लेकिन अभी वो खेप नहीं पहुंची है, इसलिए थोड़ा सा जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इससे अलग जितनी वैक्सीन है उनकी एविलिटी जितनी है उसको लगाया जा रहा है, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे सेकंड डोज की बात करें, चाहे फर्स्ट डोज की बात करें, ऐसे में जो तादाद है लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि उसके पीछे वजह ये भी है क्योंकि हरियाणा सरकार का जो फैसला है डबल वैक्सीनेट व्यक्ति को ही सार्वजनिक स्थान या सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए अंदर एंट्री मिलेगी, तो नो एंट्री, नो वैक्सीन, नो
एंट्री का जो आदेश जारी किया गया उसका भी असर अब वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रहा है। लगातार लंबी लंबी भीड़ देखने को मिल रही है, बच्चों की भीड़ इसलिए क्योंकि लगातार जो ये संक्रमण का खतरा है वो बच्चों में भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाइनें लंबी हैं लेकिन वैक्सीन की कमी एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए बनी जी देवेंद्र जी। महेंद्र के आपके पास आती हूँ। महेंद्र, वहां पर लोगों की हम बात कर लेते हैं तो लोग कितना इन पाबंदियों को फॉलो कर रहे हैं, क्या मास्क वहां पर पहन रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तमाम कोविड की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है, तो वो धरातल पर कितनी देखने को मिल रही है? पालना की तो सभी तरह के सरकारी जो कार्यालय हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को एंट्री नहीं मिल रही, भाई बिना मास्क के सर्विस नहीं मिल रही। ऐसे में लोगों की मजबूरी बन जाती है कि इन नियमों का पालन करना। कल हमने जब जिला सचिवालय के बाहर की जो तस्वीरें देखी थी उसके अनुसार करीब 200 लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की सख्ती का असर जरूर देखने को मिला है। वही बात की जाए वैक्सीनेशन की तो आज जिले में जो है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा और तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूलों में उनमें मैं स्वास्थ्य विभाग में पहुंचेंगी ताकि इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके। बिल्कुल देवेंद्र, आपकी तरफ आती हूँ। वहां पर आपके फरीदाबाद में लोग कितना ये पाबंदियों को फॉलो कर रहे हैं, सड़कों पर जो लोग हैं क्या वो मास्क लगा रहे हैं, और जो मार्केट वहां पर है क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा की यहाँ आबादी है और कई बड़े बाजार हैं, चाहे पारंपरिक पुराने बाजार हों चाहे सेक्टर्स हों, और ऐसे में लोगों के लिए जब पाबंदी 5 बजे तक के लिए लगा दी गई हो बाजारों के प्रतिबंध की, तो बाजारों में लोगों की कहीं ना कहीं भीड़ जरूर देखी जा रही है। चूंकि एक लिमिटेड वक्त के लिए ही बाजार खुल रहे हैं तो ऐसे में जब एक साथ लोग पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जरूर उड़ती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में जब मास्क की बात हो तो मास्क भी कई लोगों की लापरवाही, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ये लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये बड़ी लापरवाही भी शहरों बाजारों में देखने को फरीदाबाद में मिल रही है। और इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूर चालान जरूर काटे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हर जगह खड़ा नहीं हो सकता, लोगों को खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि जो CMO हैं उनकी तरफ से बार बार अपील की जा रही है, DC की तरफ से बार बार लोगों से अपील इसी बात को लेकर की जा रही है कि कोरोना से अगर सही तरीके से लड़ना है तो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में मास्क लगाना होगा, ये सबसे कारगर उपाय की अपील जरूर लोगों से की जा रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं है, और एक वजह जो संक्रमण के तेजी से फैलने की है वो यही है कि लोग बाजारों में जा रहे हैं, अपनी टेस्ट RT-PCR टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और ऐसे में वो कोरोना को और कोरोना के वाहक बने हुए हैं, तो ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ होता है। और ऐसे में जब पुलिस की सख्ती हो और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही हो तो ये दोनों चीजें पैरेलल देखी जा रही हैं। कई जगह पर पुलिस के चालान जरूर काटे गए हैं लेकिन बाजारों में जो लापरवाही है वो एक बड़ी चिंता का विषय लोगों के लिए बना हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है, और प्रशासन की तरफ से बाकायदा सख्ती बेशक की गई हो लेकिन उस सख्ती का जिस तरह से असर देखना चाहिए था या मिलना चाहिए था वो अभी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर अभी जिला प्रशासन को सोचना पड़ेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सोचना पड़ेगा। जी देवेंद्र, महेंद्र फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर जो बाजार वगैरह है वहां पर पुलिस प्रशासन किस तरह से नियमों का पालन कराने में जुटा है, क्या बाजारों में वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लोग मेंटेन कर रहे हैं, क्या स्थिति है बाजारों की? तो देखिए जिस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए, रेड जोन में करनाल को शामिल किया गया और दुकानों का समय जो है 6 बजे तक रखा गया, उसके बाद जो है इस दिन के समय में लोगों की काफी भीड़ रहती है बाजारों में। हालांकि चौक चौराहों पर पुलिस जरूर तैनात कर की गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच करी है, लेकिन जिस तरह का पीरियड कम हुआ है दुकानों का उसके बाद जो है ग्राहकों की भीड़ ज्यादा रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बात की जाए तो कल हमारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमें 4 मोर्चों पर लगातार लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो अभी तक वैक्सीन के प्रति लापरवाह बने हुए थे उनको वैक्सीनेट करना है, इसके अलावा ओमिक्रॉन वायरस की करनाल जिले में एंट्री है उसको देखते हुए उनको तैयारियां करनी पड़ रही है। वही तीसरा मोर्चा जो है वो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन है, और सबसे चौथा और अहम मोर्चा है लोगों को लापरवाही से बचाना, क्योंकि लोग जो है बार बार आह्वान करने के बाद भी है कोरोना नियमों को पालन नहीं कर रहे जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। तो ये 4 मोर्चियां जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। चलिए देवेंद्र और महेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अपने जिलों से अपडेट यहाँ पर भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।